अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे प्यारे भाई बहनों। हमने जो कल का लेसन दिया था वो फुट पे था। मैंने आपको फ्रंट का और बैक साइड का फुट जो है वो बनाना सिखाया था, और इसकी शेप दिखाई थी मैंने कि पाँव की किस तरह की साइड की शेड होती है। अब हमने कुछ फुट के मुख्तलिफ पोज बनाने हैं, जो साइड पोज भी होंगे और फ्रंट साइड भी होंगे और बैक साइड भी होंगे। तो वो हम ज़रा उसकी ग्राफिंग कर लेते हैं। तो फर्ज करें कि कोई अगर यहीं बैठा हुआ है तो उसका जो है वो साइड पोज का जो फुट है वो किस तरह आएगा। उसने कि ये उसकी टांग है, तो ये बैठा हुआ है कोई इंसान, तो इसका जो साइड पोज का पाँव है वो इस तरह आएगा कि इस तरह उभार करते हुए इस तरह जो है इसके ये अंगूठे का साइड आएगा, और इसका इसी तरह यहाँ पे उसका बाहर का टुकना आएगा, और यहाँ पे इसका थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्व्स होता हुआ जो है यहाँ इसकी एड़ी आएगी, और एड़ी का जो है वो गोल सा उभार होगा, जो कि ये बैठा हुआ है तो इसलिए नीचे से फ्लैट होगा। फिर होते हुए इसका जो है यहाँ पे फ्लैट के साथ ही जो है यहाँ से इसका जो है छोटी उंगली शुरू हो जाएगी बड़ी, और फिर ये इसका जो है सॉरी इसका थोड़ा सा वो हो गया है थोड़ा सा ख़राब, ये इसका अंगूठा थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये रहा इसका अंगूठा, ये उंगलियाँ, ये उसकी एक उंगली, ये इसके अंगूठे की उंगली, ये हो गया। ये साइड पोज तकरीबन है। इसी तरह जो है अगर टांग के ऊपर अगर दूसरी टांग लेग जो है रखी हुई हो तो उसका जो है वो आते हुए तो पाँव का लटकी हुई सी शेप होती है, तो ये इस तरह करके आएगी, ये इसकी उंगलियों का हिस्सा आएगा, ये अंगूठा आएगा, अंगूठे की शेप बनाते हुए हम पाँव को शेड देंगे, फिर हम इसकी एड़ी बनाएंगे, और एड़ी के साथ फिर ये इसका जो है ये टांग का ये हिस्सा हो जाएगा। ये इसकी जो है ये तकरीबन ये इसका बड़े वाला अंगूठे का हिस्सा होगा, और ये इसकी ये नाखूनों का हिस्सा होगा। ये यहाँ से जो है इसका याद रखना है कि इसका इस तरह का जो शेप होगी तकरीबन लटका हुआ सा पाँव होगा। तो इसी तरह जो है अगर थोड़ा सा इसकी शेप जो है ऊंचाई में देंगे तो इसका यही पाँव जो है दूसरा इस